ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 राजा भेद की कथा अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 44 45। तो पहले में तात्पर्य नहीं है। काक कृष्णो अति ह्रस्वांगो ह्रस्व बाहु महाहनु ह्रस्व पानी साग्रो रक्ता क्षस्ताम्र मूर्धज। राजा वैन की झंगाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसका वर्ण कौवे जैसा काला था। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने दिगने अंग ठिगने कुछ शब्द ठिगने ठिगने थे। उसके हाथ तथा पाँव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। आज का श्लोक तम तुते अवनतम दीनम किं करोमीति वादिनम निशीदेत्य ब्रुवंस्ता सनीशादस्ततो भवत। अनुवाद। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का सिर ब्राह्मणों के, भुजाए क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंगा से नीचे पाव शूद्रों के प्रतिनिधि स्वरूप है। शूद्रों को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। ब्राह्मण शुक्ल श्वेत कहलाते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों रंगों के मिश्रण होते हैं। किंतु जिनका रंग अत्यंत श्वेत होता है वह श्वेत कुष्ठ के कारण होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा और शूद्र का काला होता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वाहा। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 यहाँ पर कथा चल रही है राजा वैन की। आप लोगों ने पहले की कक्षाओं में सुना होगा कैसे वो उपद्रवी था और फिर मार दिया गया ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने उसके मृत शरीर से मंथन करके उसके मृत शरीर की एक जनता का मंथन किया। तो पहले जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ उसका नाम था बाहुक, अभी उसका वर्णन चल रहा है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा श्लोक की और तात्पर्य, क्योंकि दूसरी भी कथा करनी आज। तो एक चीज अच्छी जो मुझे लग रही है ऐसे सीखने जैसी, वह अत्यंत विनम्र था। राजा वैन था, वो उपद्रवी था एकदम, और स्वतंत्र दिमाग का था, और ब्राह्मण ने उसकी जंगाओं से इसको उत्पन्न किया था। लेकिन ब्राह्मणों की इच्छा थी, ब्राह्मणों के संस्पर्श से या तो ब्राह्मणों की इच्छाओं से उत्पन्न हुआ था। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था, विनम्र था। तो जैसे ही उसकी उत्पत्ति हुई, तुरंत पहले उसने क्या किया, जन्म होते ही उसने विनीत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? अपने स्वामी से पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता। तो बहुत ही उत्तम गुण है। हम बहुत बार इसके विषय में सुनते हैं, और हम भौतिक जगत में अभी है उसका कारण है हमारे अंदर भी ये गुण था, हमारा स्वभाव ही था इस प्रकार से भगवान की सेवा करना, स्वामी की सेवा करना। लेकिन हमने वो नकार दिया, हम खुद स्वामी बनना चाहे इसलिए भौतिक जगत में आए, हमारे अहंकार वश। तो ये विनम्रता कितनी सुंदर विनम्रता है, महाशय मैं क्या करूं? और ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, कुछ बैठ जाओ, जो भी आदेश दिया उसने मान लिया। तो आज की इस तात्पर्य से बहुत ही अच्छे सीखने लायक चीज थी। अभी आज श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है और गौरीदास पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो उनके विषय में भी कुछ गुणगान करेंगे। तो ये जो विनम्रता है वो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद में उसकी भी चरम सीमा थी। वो कितने बड़े पंडित थे, कितने बड़े विद्वान थे, और कितनी बड़ी, अगर भौतिक दृष्टि से देखे तो कितनी बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं एकदम विनम्र भाव से, और महाप्रभु को कहते हैं कि आप कृपा कीजिए, मैं तो मूर्ख था लेकिन मैं समझता था मैं पंडित था। तो ये नम्रता की चरम सीमा। अभी ज्यादा मुझे जो ऐसे तिरुभाव आविर्भाव होते हैं उसमें जो कथाएं बतानी होती है वो मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं होती है, ऐसे भी मुझे नाम याद नहीं रहते स्थलों के, इनके माता ये थे, इनके भाई ये थे, उनके पुत्र ये हुए, वो नाम ज़्यादा याद नहीं रहते। तो जितना याद रहता है मैं पढ़ के भक्तों को बताने का प्रयास करता हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ आप उसमें से कुछ ग्रहण कर लीजिए, उस पूरा नहीं बता पाऊँगा। जैसे कुछ कुछ याद है, रामकेली में रहने लगे थे, जन्म हुआ था ऐसा, राम प्रभुपाद जी वो वर्णन करते हैं भागवतम के शुरुआत में रामकेली। लेकिन उसमें एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी वो जब पढ़ रहा था, तो मैं एक हो गया विनम्रता, हमने आज कक्षा में देख लिया बाहुक भी था विनम्रता, दूसरा क्या था स्वामी का ऑर्डर, स्वामी ने ऑर्डर किया बैठ जाओ बैठ जाओ,
चैतन्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक तो बड़ा गुण था विनम्र थे, दूसरा गुण था चैतन्य महाप्रभु उनको भेजे थे वृंदावन। क्या आदेश देकर भेजे थे, कौन से आदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने? हाँ, तो जो गुप्त लीला स्थली है उसको फिर से उसको प्रकाशित करना और फिर मंदिर स्थापन करना उधर, और फिर शास्त्र रचना करना। महाप्रभु ने उनको जो उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? प्रभु गोस्वामी को उपदेश कहाँ पर दिया था? हाँ, तो वो उपदेश महाप्रभु चाहते थे कि वो प्रकाशित करें। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत अच्छे से उसको प्रकाशित किया और फिर उपदेशामृत भी लिखा। और भी एक सुंदर पुस्तक है मन शिक्षा, तो उसमें भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। लेकिन ये दोनों पुस्तकें मैनुअल जैसी है, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो जब वो वृंदावन गए थे ये आदेश लेकर कि जाओ तुम गुप्त लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, तो बहुत प्रयास करने पर भी कुछ मिल नहीं रहा था उधर, तो वो बहुत ही हतोत्साही हो गए थे कि अरे मुझे महाप्रभु ने आदेश दिया है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं इधर आके, तो हतोत्साही हो गए थे, मैं क्या करूं। ऐसे करके करके एक दिन एक टीले के पास ऐसे बैठे थे, यमुना के किनारे बैठे थे और शोक कर रहे थे। उसी समय में एक छोटा बालक उधर आता है और पूछता है कि हे स्वामी आप क्यों इतने उदास है? तो बताते हैं रूप गोस्वामी उनको कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने, मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि तुम जाके ये कार्य करो, अभी मैं उनका आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये हताशा का कारण ये है। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मुझे पता है कि तुमको ये जो चीज चाहिए, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो, वो चीज कहाँ मिल सकती है वो मैं दिखा सकता हूँ। तो बोला कैसे पता चल सकता है? तो बोला क्योंकि वो जगह ऐसी है जो सामान्य जगहों से अलग है और उधर हर दिन एक गाय आती है और दूध, उसका दूध उधर क्या बोलते हिंदी में, अपने आप दूध उसका दे देती है, तो वो दूध उधर अपने आप गिरा देती है उसका दूध उस पर्वत के ऊपर। तो ये तो अजीबो गरीब घटना और मैं देख रहा हूँ हर दिन, तो इसलिए तुम उधर आओ, तो लगता है कि उसके नीचे तुम्हारी जो भी चीज़ है वो मिल सकती है। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जाते हैं उनके साथ और वो पर्वत देखते हैं और उधर जाते ही उनको लगता है कि नहीं सही बात है, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो लड़के को देखने जाते हैं लड़का अदृश्य हो जाता है। फिर वो गाय भी चली जाती, फिर दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन सेम टाइम पर वो गाय फिर से आती है, फिर से वही लीला होती, लेकिन वो लड़का नहीं आता। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद को कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये भगवान ही थे जो मुझे गाइड कर रहे थे कि इधर जाओ ये करो ये करो ये करो। तो फिर वो जाते हैं पास के गांव वाले में गांव और सब गोपालों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसी घटना घटी, आप लोग चलिए मेरे साथ तो हम उधर से कुछ निकाल सकते हैं अंदर क्या। और फिर सब लोग उधर जाते हैं और उसकी खुदाई करते हैं, तो अंदर से कौन निकलते हैं? हाँ, राधा गोविंद देव। तो अभी उनकी भी बहुत सुंदर झूलन यात्रा उत्सव चल रही है, राधा गोविंद देव का झूलन यात्रा उत्सव। जन झूलन यात्रा उत्सव को
राधा गोविंद देव जी के साथ जुड़ा जाता। अभी मुझे उसकी वो पता नहीं है क्यों राधा गोविंद देव जी के साथ जुड़ा, लेकिन कैलेंडर में मैं पढ़ता हूँ श्री श्री राधा गोविंद जी का जुड़ यात्रा उत्सव, तो वो भी बहुत बढ़िया है। फिर वो राधा गोविंद देव को उधर स्थापित करते। तो ये दो गुण बाहु के अंदर क्या दो गुण थे, विनम्रता और आदेश पालन किया, और रूप गोस्वामी के अंदर भी विनम्रता और आदेश दोनों बहुत। इसके अलावा तो पूरा भंडार पड़ा है रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने तो जो लिखा और लीलाएं किया चैतन्य चैतामृत में, बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, उसमें से भक्ति रसामृत सिंधु जो यहाँ रखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, और उसका पहला श्लोक अन्याभिलाषिता शून्यम, पहला नहीं होगा शायद दूसरा, पहला दूसरा श्लोक है, एनीवे अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम आनुकुल्लेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो ये क्या बताता है ये श्लोक, क्या इंगित करता है? हाँ, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और कोई भक्त अगर ये पालन कर रहा है तो वो शुद्ध भक्ति के कौन से स्तर में है? अगर कोई भक्त ये पालन कर रहा है अच्छे से तो वो शुद्ध भक्ति के कौन से स्तर में है? वैधि साधना भक्ति, एक चरम स्थिति नहीं है, हमारा लक्ष्य तो बहुत आगे है। एक तो एंट्री है शुद्ध भक्ति में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्लेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये चरम नहीं है, ये एंट्री है, ये साधना भक्ति की शुरुआत है, शुद्ध भक्ति की साधना वैदी साधना भक्ति है उसकी शुरुआत है। अन्याभिलाषिता शून्यम, उधर से एंट्री होती है। जब तक हम अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा ही है कि जब भी थोड़ी तकलीफ पड़ी भगवान थोड़ा कर दीजिए, जब भी थोड़ी तकलीफ पड़ी भगवान थोड़ा कर दीजिए, तब तक हम साधना भक्ति में एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि हम साधना करना चाहते हैं कि मैं सेवक हूं, भगवान आप स्वामी हैं, और मुझे थोड़ी तकलीफ पड़ती है तो मैं भगवान को बोलता हूँ भगवान आप थोड़ा कर दीजिए, तो मैं विपरीत कर रहा हूं, मैं स्वामी बन रहा हूं भगवान को सेवक बना रहा हूं, तो फिर कैसे साधना हो सकती है? तो साधना में शुद्ध भक्ति की साधना करनी है जिसमें प्रेम से भगवान की सेवा की जाती है। अगर वो हमको चाहिए तो हमको इससे शुरुआत करनी, ये साधना भक्ति की शुरुआत है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, और ज्ञान कर्म से मुक्त होना चाहिए, अनावृतम ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए, मोक्ष वांछा नहीं, भुक्ति मुक्ति वांछा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शुद्ध भक्ति की साधना नहीं हो सकती। और आनुकुल्लेन कृष्णा अनुशीलनम, तीन शब्द है, क्या है? आनुकुल्लेन कृष्णा अनुशीलनम, तीन शब्द हुए, आनुकुल्लेन कृष्णा अनुशीलनम, अनुकूल भाव से होना चाहिए। कंस भी भगवान का स्मरण करता था, तो भगवान का स्मरण करना भक्ति हो गई, उसका लाभ हुआ कंस को, कंस को मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। अनुकूल भाव से होना चाहिए, अनुकूल लेना, फिर कृष्णा
अनुशीलनम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। कृष्णा अनुशीलनम मतलब कृष्ण शब्द का विस्तार समझाया है जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने उस कि कृष्ण अर्थात कृष्ण भगवान के विस्तार और कृष्ण के प्रतिनिधि उनके मार्ग निर्देशन में अनुशीलनम। तो कृष्णा अनुशीलनम ऐसे भी होता है और अनुशीलनम का दूसरा अर्थ ऐसे भी होता है, शीलन मतलब कुछ कार्य करना है, भक्ति में बैठे नहीं रहना। हाँ हम भक्ति करते, कृष्णा जी की बहुत भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? हाँ हम कृष्ण जी को सुबह में थोड़ा बहुत, या तो कहीं हम घूमने जाते हैं तो कृष्णा के मतलब जो भी हो उनके मन के विचार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल शीलन तीन प्रकार से भी हो सकता है, कायेन मनसा वाचा, काया से शरीर से मन से और वाचा से। तो कोई भी एक प्रकार से भगवान की सेवा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और वो कैसा होना चाहिए? अनुशीलनम। उसमें ऐसा नहीं कि प्रभु जी आज संडे है तो आज छुट्टी, नहीं ऐसा नहीं। अनुशीलनम कंटिन्यूअस लगा रहना, तो वो शुद्ध भक्ति की वैदिक साधना भक्ति की शुरुआत है। वो शुरू करने से फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे धीरे। ऐसे उपदेश अमृत भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा कुछ है ये सब पुस्तकों में, और भी बहुत सारी पुस्तकें उपदेश अमृत में शायद या कहीं पर प्रभुपाद जी उनकी सभी पुस्तकों का वर्णन देते, दान के लिए उज्ज्वल निर्मणि और विदग्ध माधव ये सब का विवरण देते। तो अगर हम सेवा करते हैं उनकी, तो उनकी सेवा से वो जो सब रहस्य है वो हमको प्रकाशित हो सकते हैं। अगर हम सोचे कि नहीं मैं विद्वान पंडित हूँ, मैं संस्कृत पढ़ लेता हूँ और फिर मैं ये सब पुस्तकें पढ़ लेता हूँ तो मैं समझ जाऊँगा, तो खाली वो पढ़ने से हम नहीं समझ पाएंगे। हम जब उनकी सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनके आशीर्वाद से उनका जो साहित्य है उसमें जो ज्ञान है वो हमको प्रकाशित हो जाए। ऐसे ही एक दूसरे महान वैष्णव थे श्री गौरीदास पंडित, उनका भी तिरुभाव दिवस आज है। तो गौरीदास पंडित अंबिका कालना करके एक स्टेशन आता है, जो लोग शायद एक चक्र धाम गए होंगे उनको शायद बीच में आता है ना, एक चक्र धाम जाते बीच में आता है अंबिका कालना, उस उधर ही आसपास में। वो पहले कहीं कोई गांव में रह रहे थे लेकिन बाद में अंबिका कालना में आके वास करते हैं। प्रभुपाद जी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11वें अध्याय के 24वां श्लोक क्या ऐसा है उसमें तात्पर्य में देते हैं। प्रेमोदंड भक्ति क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा कुछ कहते हैं कि गौरीदास पंडित की जो भक्ति थी प्रेमोदंड भक्ति थी, प्रेम से उद्दंड, उद्दंड हो जाते ना, प्रेम से उद्दंड हो गई हुई भक्ति थी। इतना प्रेम में प्रचुर हो गए, डूब गए थे, बिल्कुल ज्ञान मतलब वो जो ऐश्वर्य भाव का ज्ञान भी प्रेम भाव वाली भक्ति, तो प्रेम की भक्ति में डूब गए। तो महाप्रभु उनकी भक्ति से बहुत खुश थे और इसलिए एक बार स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विजिट करते हैं अंबिका कालना, उनके घर। तो उनके घर में जाते हैं तो गौरीदास पंडित बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, फिर कहते हैं कि अभी आप दोनों इधर ही रुक जाओ, अभी जाना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे संभव होगा भाई, हम नहीं रुक सकते, मैं आपको एक विग्रह बना के दे देता हूँ हमारा, तुम रखो। और महाप्रभु एक विग्रह बनवा देते हैं दोनों का और फिर दे देते हैं हमको। तो
गौरीदास पंडित बोलते नहीं मुझे विग्रह नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप रुके इधर विग्रह को जाने दीजिए। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उधर खड़े हो जाते हैं ऑल्टर पे और विग्रह चलने लगते हैं। तो फिर विग्रह चलने लगते हैं तो गौरीदास पंडित बोलते कहाँ जा रहे हो, रुको रुको मुझे ये विग्रह नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम रुको। फिर वो उधर खड़े हो जाते विग्रह चलने लगते। तो ऐसा थोड़ी बार करते हैं जब तक वो भूल जाते हैं कि कौन से मेरे विग्रह है और कौन से गौर नेताई जो आए थे वो है। तो महाप्रभु दिखाना चाहे, महाप्रभु बोले थे उनको पहले ऑलरेडी कि मैं और मेरा विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो तुम इनकी पूजा करो, सेवा पूजा करो, मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन उनको ये था नहीं नहीं मैं तो आप, मुझे तो आप ही चाहिए भगवान। तो वो ऐसा किया, वो उनको पता भी नहीं रहा अभी कौन से विग्रह है कौन से भगवान जो आए थे वो थे। तो फिर महाप्रभु फिर वो मान जाते हैं ठीक है भाई अभी एक विग्रह रख लिए। फिर उनकी सेवा पूजा करते हैं बहुत अच्छे से और महाप्रभु उनकी सेवा से बहुत खुश थे। वो बहुत ही गरीब थे लेकिन बहुत समर्पण भाव से, मतलब हृदय में कोई कलुषता के बिना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है, कोई कलुषता नहीं, कोई मत्सरता नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष ये सब रही काम क्रोध ये सब छोड़ के शुद्ध भाव से भगवान की सेवा कर रहे थे। अभी गरीब होते हुए भी उनको एक दिन इच्छा हो गई, अरे मेरे गौर नेता को मैं कभी भी अच्छे से श्रृंगार नहीं कर सकता, क्या करूं। मुझे उनको बहुत इच्छा होती है कि मैं उनको बहुत अच्छा श्रृंगार करूं। तो एक दिन वो दरवाजा बंद करके ऐसे बहुत दुख कर रहे थे और फिर जब खोला उन्होंने देखा गौर नहीं था ऑलरेडी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया श्रृंगार। भगवान ने देखा कि वो उनका भक्त है, गरीब है, दुखी है, उनकी सेवा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, भगवान ने व्यवस्था कर दिया। इसलिए भक्त अगर भगवान की सेवा करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। अगर भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना बड़ा भौतिक जगत बनाते हैं, ये भौतिक जगत की सृष्टि किसने हुई है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, इसमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, किसने है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमको मांस खाना था, पानी में तैरना था और क्या क्या अजीबो गरीब घट क्रियाएं करनी थी, तो भगवान ने सब व्यवस्था किया, जाओ ट्राई करके देखो सभी तरह से। और भगवान अभी भी हमको उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, भगवान अभी भी हमको अलाउ कर रहे, ठीक है गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं मुझे थोड़ा तो भोग करना है, करो तो थोड़ा भोग करो, थोड़ा भोग करो, तो अलाउ करते भगवान। तो अगर हम इच्छा करेंगे नहीं प्रभु मुझे अभी भोग नहीं करना है, जैसे वो श्लोक है ना, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देशा तेषां जाता मैन करुणा न तप्ता नौपशांति। तो कहते हैं कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देशा, तो काम आदिनाम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये हो गया आदि, काम आदिनाम कतिना कतिधा मतलब उसका अर्थ है कोटि कोटि दूर निर्देश, आदेश नहीं दूर निर्देश, खराब आदेश, आदेश नहीं खराब आदेश, मैंने पालन किया कोटि कोटि आदेश पालन किया और फल क्या हुआ, तेषाम जात मई न करुणा, उससे मुझ पर उसको करुणा नहीं हुई। अगर कोई हमारे लिए, हम बीमार है, हमारे लिए कोई कुछ पानी का गिलास लेके आएगा, हमको तुरंत ऐसा होता है कितना अच्छा है, कोई भी थोड़ी भी मदद करता है कितना हमको अच्छा लगता है। हमने इन काम क्रोध लोभ इसकी कोटि कोटि आदेश पालन किए लेकिन उनको करुणा नहीं हुई हमारे पे, बेचारे को छोड़ दो अभी, इसने इतनी तो सेवा किया हमारी, नहीं। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, उसका स्वभाव कैसा है काम का, 3rd अध्याय में भगवान कहते हैं महाशनो, महाशनो अर्थात
अब जितना डालेंगे सब खा जाने वाला है, अब जितना ज्यादा डालेंगे और ज्यादा खाएगा। और फिर दूसरा क्या कहते हैं, दुष्पूरेणा, उसको आप पूरा नहीं कर सकते, उसकी भूख को पूरी नहीं कर सकते। महाशनो, और कितना महाशनो, कितना खाएगा आपको महापापी बना देगा। महापाप, वो महापापी है, आपको भी महापापी बना देगा। तो काम ऐसा है। तो भौतिक जगत में ये सब चल रहा है, हमने कोटि कोटि इनके आदेश पालन किए, लेकिन फिर भी वो काम को तेषा न जात मई करुणा न तृप्ता ना, वो शांत हुआ, वो शांत नहीं हुआ। काम कैसे शांत होगा, वो तो महाश्रमो ने, और ना उपशांति, और ना मुझे कुछ शांति मिली, ना वो भी शांत हुआ, ना मुझे भी कुछ शांति। इसलिए मैं क्या हुआ, त्वाम आया नहीं, तीसरी लाइन क्या है, यदुपते। तो इसलिए उसका अर्थ ऐसा होता है, इसीलिए अभी मैंने उसको छोड़ दिया। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भगवान अभी मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गया, बस अभी मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मैंने समझ लिया, अभी तक मुझे ऐसा विचार था कि शायद थोड़ा तो मुझे उसमें सुख मिल जाएगा, थोड़ा तो कुछ तो होगा ना, लेकिन नहीं, अभी मैंने जान लिया है वो मेरे सुख का कारण नहीं हो सकता किसी भी तरह से, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। त्वाम आयत माम नियुक्षय, तो भगवान को प्रार्थना है कि मुझे आप आपकी सेवा में लगाइए, मैं अभी आपके पास आया हूँ। हे यदुपते, हे यादवों के पति, मैं अभी आपके पास आया हूँ, मुझे आप आपकी सेवा में लगाइए। तो जब जीव इस प्रकार से सेवा करता है तो भगवान उसकी वो भी इच्छा पूरी कर देते। तो गौरीदास पंडित ने इच्छा किया था, उनकी क्षमता नहीं थी लेकिन उन्होंने इच्छा किया था तो उनकी इच्छा पूरी कर दी। अगर आप पहला स्कंद ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे श्लोक याद नहीं है कौन से श्लोक के तात्पर्य में, लेकिन शायद 10वां नहीं तो 11वां अध्याय के कोई श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक भजन उद्धृत करते हैं, कृष्ण देव भवंतम वंदे। किसकी रचना है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की रचना है, और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो वही तात्पर्य है, यद्यपि समाधिषु विधिरपि न पश्यति। विधिरपि मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी समाधि लगा देते हैं तो भी विधिरपि न पश्यति, आप न यद्यपि समाधिषु विधिरपि न पश्यति तव नखाग्र मरीचि, मतलब आपके नख का छोटा दर्शन, थोड़ा दर्शन भी बड़े बड़े मुनि लोग, योगी लोग, ब्रह्मा जी समाधि लगाने पर वो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन आपकी कृपा अद्भुत है और मुझे तो उसकी इच्छा लगी है तो आपकी कृपा से वो इच्छा पूरी हो सकती है। इस प्रकार से कि मेरी स्थिति तो ये है लेकिन आप तो ऐसे है, मैं ऐसा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन आप ऐसे हैं कि आप असंभव को संभव कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मुझे आपकी सेवा में लगा दीजिए। तो इतनी तीव्र इच्छा के साथ, ये विनम्रता के साथ जब वो भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान तुरंत सुनते, भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते। तो यहाँ पर गौरीदास पंडित की इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि भगवान का श्रृंगार हो अच्छे से, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर और आगे एक बार गौर पूर्णिमा महोत्सव आता है, तो गौर पूर्णिमा महोत्सव में गौरीदास पंडित नित्यानंद प्रभु की लाइन में आते हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु के शिष्य और उससे आगे उनके भी शिष्य थे। तो उनके एक शिष्य ने बड़ा प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया था, जैसे हम भी अभी रखते हैं ना, ऐसे उस समय में भी होते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, उसमें बड़े बड़े संकीर्तन होते थे। तो गौर पूर्णिमा का बड़ा उत्सव रखा था और गौरीदास पंडित को आमंत्रित किया था, तो वो उधर गए थे। तो वो जब गए तो यहाँ पर उनकी जो सेवा थी उनके विग्रहों की, उस विग्रहों की सेवा उनका एक दूसरा शिष्य था हृदयानंद, तो उसको देखे गए थे। तो हृदयानंद बहुत प्रेम से सेवा करते थे,
और गौर पूर्णिमा नजदीक आ गई, लेकिन गुरुजी अभी उधर का जो प्लानिंग है वो देख के वापस नहीं आए थे इधर, तो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो उधर रहेंगे ना इधर आएंगे। इधर का प्रोग्राम कौन मैनेज करेगा, इधर भी तो प्रोग्राम होना है, तो कौन मैनेज करेगा, प्रोग्राम होना है नहीं होना है क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा, अंतिम दिन तक कुछ पता नहीं चला। फिर हृदयानंद अपने आप से सोचा कि नहीं प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, तो अपने आप से प्रोग्राम अनाउंस कर दिया उन्होंने, ठीक है गुरुजी बाहर है अभी संपर्क नहीं हो सके ऐसा, तो उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। तो उनको पता मतलब गौरीदास पंडित उसके नेक्स्ट दिन आ गए, उन्होंने जिस दिन अनाउंस किया सबको इन्विटेशन भेज दिया, उसके नेक्स्ट दिन ही गौरीदास पंडित आ गए और उनकी ये एक एक क्रिया देखकर एक कार्य देखकर वो बहुत ही विचलित हो गए, तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने आप कैसे तुमने ये निर्णय ले लिया, मुझे पूछना चाहिए ये कार्य करने से पहले, तुम निकल जाओ यहां से। अभी हृदयानंद जो उनके प्रभु जो उनके शिष्य थे, देखिए उनकी शरणागति, उनके गुरु की कितनी अच्छे से सेवा कर रहे, उनके गुरु देखे गए बहुत प्रेम से सेवा किया उनके गुरु के विग्रह की, उसके लिए सब तैयारी की और उन्होंने तो हर साल प्रोग्राम होता है तो इस साल भी करना है उसके लिए मैनेजमेंट किया। अभी गुरु जी आगे डांट रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गुरु जी को सामने नहीं बोले, अरे मैंने आपके लिए किया था मेरी क्या गलती है, ऐसे 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 नहीं, गुरु जी की जो डांट है वो मेरे लिए कृपा है, जो भी करे वो मेरे लिए कृपा है, तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, ठीक है, तो वो निकल गए, वो थोड़े दूर जाके नदी के तट पर बैठ गए और उधर भगवान का स्मरण करने लगे। उतने में एक व्यक्ति उधर आता है और उनको कुछ दान देना चाहता है, तो बोले कि नहीं नहीं मुझे दान की आवश्यकता नहीं है, मेरे गुरुजी अभी गौर पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है तो उसके लिए प्रोग्राम कर रहे, उधर जाके तुम दान दो। निकाल दिया तो ऐसे नहीं बटले आप मुझे निकाल दिया छोड़ो उनको, तो ऐसा नहीं हुआ उनको, तो अभी भी वही शरणागति वही बात, और उन्होंने उधर भेजा और गुरु के पास पहुंचे। अभी गौरीदास पंडित ने वो जो निकाला था वो ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, उनको पता था सब कुछ, वो खुश थे बहुत अंदर से, लेकिन बाहर से वो शिक्षा देने के लिए ये पूरी लीला हुई थी कि कैसे ऑबेडियंट होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात जो हृदयानंद थे सन्यासी थे पता नहीं मुझे, तो उनके जो गुण थे उसको प्रकाशित करने के लिए लीला हुई है। तो जब वो व्यक्ति आया गौरीदास पंडित के पास तो गौरीदास पंडित बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं, तुम जाओ वो नदी किनारे वो हृदयानंद बैठा है उसको दे दो और उसको बोलो कि तुम बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। तो बोला नहीं वो तो ना बोल रहा है, तो गौरीदास पंडित को विश्वास था कि अगर उसको ऐसा बोला जाएगा कि गुरु जी ने बोला तुरंत करेगा, तो उन्होंने बोला जाओ तुम ऐसा बोलो कि मेरा आदेश है तुम बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो यहाँ नदी के तट पर। और वो व्यक्ति ने जैसे ही जाके बोला कि आपका गुरु जी का आदेश है ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, वो तुरंत उत्साही हो गया और बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, बहुत सारे लोगों को बुलाया उन्हें। तो अभी जो भी लोग उधर दर्शन करने के लिए आते थे वो ये वातावरण देख के बहुत उत्साही हो जाते थे, वो प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त हो रहा था और हृदयानंद खुद कीर्तन करा रहे थे, और तो जो एक्सटेटिक कीर्तन चल रहा था और हृदयानंद जो प्रेम से गौर निताई की सेवा किया था उन दिनों में, उसके कारण गौर निताई के साथ जो उनका संबंध जुड़ गया था, तो गौर निताई से रहा नहीं गया उधर ऑल्टर में,
और वो चले आए इधर नदी के तट पर, ये हृदयानंद का जहां प्रोग्राम चल रहा है उधर। उन्होंने अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति का रूप बना के उनके साथ मिल गए, घुल मिल गए। तो जब पुजारी गौरीदास पंडित के ऑल्टर पर गया भोग लगाने के लिए, उसने देखा विग्रह नहीं है, कंप्लेन किया गौरीदास पंडित को, विग्रह नहीं है। वो समझ गए विग्रह का क्या हुआ और हाथ में डंडी लिया चल पड़े उधर नदी के किनारे। और जैसे ही गौर नेता ने देखा अरे ये गौरीदास पंडित आ रहा है, तो वो भाग के हृदयानंद के हृदय के मंदिर में जाके छुप गए और ये बाकी सब नहीं देख पाए, लेकिन ये गौरीदास पंडित देख रहे हैं। तो उनकी आंखों में से अश्रु निकलने लगते हैं और हृदयानंद को सब आशीर्वाद देते, गले लगा दे, बोलते तुम सार्थक हो, तुम्हारा बहुत भाग्यशाली हो। और फिर उनका नाम बदल देते हैं, उनका नाम कर देते हैं हृदय चैतन्य। तो ये फिर वो गौरीदास पंडित बाद में हृदय चैतन्य को वो विग्रह दे देते हैं और फिर वो पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कितने गुरु के प्रति शरणागति थी, वो उनका भक्ति भाव इतना उन्नत था, ये सब कुछ था, लेकिन कभी भी गुरु से ऊपर नहीं गए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कितना रिविलेशन था उनको, लेकिन क्या समझते थे, नहीं नहीं मेरे पास जो है वो मेरे गुरु महाराज चाहिए। अभी उनके गुरु महाराज को एक्सटर्नली हम देखे तो लिखना भी नहीं आता था वो, लेकिन उनकी कृपा से आ रहा था। तो जरूरी नहीं है कि जो पंडित गुरु हो उसके शिष्य ही पंडित हो सकते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान को क्या कहते हैं हम, कौन सा प्रमाण है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है, वो ऊपर से नीचे आते और बाकी दो है वो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो अवरोह का अर्थ ये है कि वो ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, वो आशीर्वाद से काम होता है, आशीर्वाद से। दो शिष्य थे दशरथ और दूसरे का नाम भूल रहा हूं, को रामानुजाचार्य थे, पुरेश, दो शिष्य थे, उनको सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक समझना था और रामानुजाचार्य के पास गए और उन्होंने एक को खेत में लगा दिया और दूसरे को उनके गुरु की पुत्री के घर में नौकर के रूप में लगा दिया। और थोड़े समय बाद बड़ी लंबी कथा है सब नहीं करेंगे, लेकिन दोनों को ज्ञान हो गया। अभी देखो ना कोई संस्कृत पढ़ाया, ना कोई श्लोक पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। तो इसलिए ये गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है और उनकी जो समर्पण भाव से सेवा की जाती है उससे भगवान प्राप्त होते हैं। और हम देखते हैं ये गौरीदास पंडित के और हृदय चैतन्य, और अभी तो ये हृदय चैतन्य जो भक्त थे उनके जो गुणगान है वो और पढ़ने हैं। तो रसिक मंगल पुस्तक रसिकानु उसमें आता है श्यामानंद पंडित वाली जो उनकी रचना है उसमें कहीं आता है कि उनकी और भी ग्लोरीज है, वो उधर वर्णन है कि और भी कितने महान भक्त थे वो हृदय चैतन्य। तो इतने महान भक्त थे लेकिन अहंकार नहीं करते थे, बिल्कुल नम्र, गुरुजी के सामने कुछ नहीं, नम्रता से व्यवहार। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे, किसी का कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, गौर प्रेमानंदे।